आगा तैयारी अपनी स्टार्ट कर देंगे बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे ओके okay, बच्चे तो स्टेनोग्राफर सी एंड डी हम लोग एक बार तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन क्लास है आज हमारी पहली क्लास हो, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो ये पेपर आएगा हमारा इसमें कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को पढ़ना कितने मार्क्स का हमारा पेपर जो है वो आता है तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आते हैं फिफ्टी ठीक है फिफ्टी क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के आपके आते हैं एंड हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेन्शन कितना आता है हंड्रेड क्वेश्चन तो हमारा आउट ऑफ हंड्रेड आउट ऑफ टू हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स की कितनी वेटेज होती है बताइए बच्चे छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे आई नो की मैथमेटिक्स इस आपके एग्जाम में नहीं आती है लेकिन बस बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन बताइए आवाज क्लियर है ना तो हमारा यहाँ पर 200 का अगर आपका पेपर है और 100 मार्क्स की अगर इंग्लिश आ रही है दैट मींस 50 मार्क्स की हमारी क्या आ रही है यहाँ पर 50 मार्क्स की सीधे सीधे से हमारी जो है सॉरी 50% परसेंट की आपकी जो है वो इंग्लिश आ रही है ओके okay, बच्चे तो अब हमें जो है बहुत अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि 50 हमारा यहां पर इंग्लिश ही पूछा जाएगा हमारा ये लैंग्वेज टेस्ट होता है इसमें आपका कंप्लीट देखो स्किल टेस्ट जो होता है वो भी क्या होता है वो भी आपका लैंग्वेज का ही टेस्ट होता है तो अपनी भाषा को इसमें अच्छा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अब इंग्लिश की जिम्मेदारी मैं लेती हूं आपकी 59 बहुत ही बढ़िया विकास माना मैथमेटिक्स नहीं आ रही है लेकिन देखो में जब तुम छोटे मोटे पैसे लोगे ना तो आपको जो है छोटी मोटी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ जाएगी तो स्टेनो बाबू जी ना हमारे बहुत अच्छा अच्छी कमाई कर लेते हैं जहां पे भी बैठते हैं बहुत इज्जत मिलती है अब इसका सिलेबस देख लेते हैं साइनो एंडो आपके पूछे जाएंगे ब्लैंक्स हमारा यहां पर उसके बाद में स्पेलिंग्स Spelt, आपके जो है वही सेम हो गया है comprehension, direct and direct, close test, और आपका error detection, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगी ठीक है अब हमारे हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं ठीक है थीके? तो हंड्रेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो है हर पॉइंट का हमारा वेटेज जो है हर टॉपिक का वेटेज क्या हो जाता है बच्चों बढ़ जाता है ऐसा नहीं है कि अगर एक आ टॉपिक आप छोड़ दोगे तो आपका काम चल जाएगा अगर आप इंग्लिश छोड़ के तो काम चलेगा का नहीं तो भाई यहाँ पे बिल्कुल कसम खा लीजिए आप यहाँ पे आपका जो है ठीक है तीन महीने मुझे दे दीजिए तो मैं आपको तीन महीने में क्या बना दूंगी एकदम अंग्रेज बना दूंगी ठीक है अंग्रेज भाई अंग्रेज की भी इंग्लिश को हमें ना पीछे छोड़ देना है बिल्कुल आज जो है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं देखो स्टेनोग्राफी अगर तुम्हें तो क्वालिफाई करना है सीधे हाथ से लेते हैं ना प्रतिज्ञा तो तुम्हें अगर करना है तो प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि मैं अब तीन महीने ना डेडिकेटेडली इंग्लिश को दूंगा अंग्रेज को भी मैं ना उसकी भाषा में पीछे छोड़ दूंगा ठीक है बच्चे तो यहां पर आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी रात दिन एक करना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए अगर इंग्लिश तुम्हारी कमजोर है तो मैथमेटिक्स तो आएगी नहीं सिंपल सी बात है चलिए बच्चों तो हम लोग यहाँ पे अपना जो है सेशन को शुरुआत करते हैं देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 2022 के क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के जरिए से हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं हाँ जी बच्चे चलिए तो बिल्कुल कसम आपने खा ली और कसम मैंने भी खा ली है कि आपकी इंग्लिश को मैं अच्छा कराऊंगी अब हम क्वेश्चन पे आते हैं आज हम जो है टॉपिक वाइज नहीं करेंगे कल से हम टॉपिक वाइज करेंगे आज मैं आपको सिर्फ जो है क्वेश्चन लेके आई हूं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं ठीक है ये सब अच्छे से करा दीजिए मोहम्मद अंसर पूरी आपकी देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो से काम चल जाएगा सीजियल में मैं बोलती हूँ वो से काम चल जाए लेकिन यहां सिर्फ वो से काम नहीं चलेगा चलिए बच्चे तो इंदु गोसाई ए वन आंसर हो जाएगा ए वन में हमारा यहां पर बताइए ए वन में हमारा आंसर जो है ओके वेरी नाइस एवरी वन ए वन में मिस्टेक कहां पर है ही इंजॉय लुकिंग अ गुड गेम ऑफ बेस बॉल ऑन टेलीविजन बताइए आप क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी हाँ जी सो मी ही इंजॉयज लुकिंग ही इंजॉइज लुकिंग में हमारा कल्पना पाल एर कहां पर है ही इंजॉय लुकिंग गुड नेम ऑफ बेस वॉल ऑन टेलीविजन या सुमित कश्यप आंसर तो सबका एवन आ चुका है अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने देख के बोला है या फिर कैसे बोला है मुझे ये बताइए आंसर में एक्सप्लेनेशन क्या है एवन तो है आपका आंसर हाँ जी रानी गुप्ता लुकिंग आंसर है शैबी शॉर्ट्स तो लुकिंग में हमारा यहां पर चलो बच्चे

किसी भी वर्ड को आप उड़ाओगे क्यों भाई लुकिंग को हटा देंगे चलिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए हमारा यहां पर तीन वर्ड्स होते हैं एक होता है हमारा क्या एक होता है सी सी माने क्या होता है देखना एक होता है लुक एट होता है और एक होता है हमारा वॉच होता है ओके हमारा यहां पर ध्यान से देखिए हमारा यहां पर तीन वर्ड्स होते हैं एक होता है सी एक होता है लुक एट एक होता है वॉच अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है तीनों में हमारा ये डिफरेंस होता है लेट से कि तुम्हारी मम्मी बगल से गुजरती हुई जा रही है और उन्होंने देखा कि तुम क्या कर रहे हो लेट से ठीक है उनके आंखों पे ऐसा थोड़ी नहीं है कि आंखें जो आप बंद कर लेंगी देखे कि नहीं मैडम की क्लास चल रही है मैं आंखें बंद कर लेती हूँ है ना आंखें हमारी जो है वो ऑटोमेटिकली जब खुली रहेंगी और अगर अंधे नहीं है तो आंखें देखने का काम करेंगी तो जनरल कोई भी चीज जो कि नेचुरल होता है जिसमें हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं वो क्या होता है सी सी देखना आई सो और मैंने उसे देखा ठीक है लुक एट का मतलब होता है किसी भी चीज में जब हम अपने दिमाग का यूज करते हैं किसी भी चीज को जब हम ध्यान से देखते हैं ध्यान से देखना जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो यू आर लुकिंग एट समथिंग ठीक है आप लोग किसी चीज को ध्यान से देख रहे हो आई एम लुकिंग एट दिस पेन ठीक है ये हो गया है लुक एट किसी भी चीज को ध्यान से देखना अब यहां पर हमारा जो वॉच होता है वो क्या होता है जब हम टेलीविजन देख रहे होते हैं या फिर हमारा कुछ एंटरटेनमेंट जब हम देख रहे होते हैं आगे मान लीजिए कोई मैच चल रहा है तो हम क्या लगाते हैं वॉच लगाते हैं ठीक है थीके? तो बहुत सारे बच्चों ने यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोला है वैसे वो आपका गलत है यहां पे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट आया है ही इंजॉय ही इंजॉय उसने क्या इंजॉय किया वॉचिंग अ गुड गेम ऑफ बेसबॉल ऑन टेलीविजन तो उसने वॉच जो करना था उसे ठीक है तो ही इंजॉयज वॉचिंग अ गुड गेम Of baseball on television. Watch कर रहा है वो देख रहा है टेलीविजन पे कोई चीज जब हम टीवी पे कोई जब हम देखते हैं तो वो उसे क्या बोलते हैं बोलते हैं ठीक है तो, रट जाएंगी, तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो कैसा था लुक वर्सेज सी वर्सेज वॉच का ध्यान रखिएगा तो सी हमारा नेचुरल सी के लिए बोलते हैं जस्ट आपके आंखों के सामने से कोई चीज गुजरी है ना तो उसे आंखें देख के आपने बंद नहीं करी है तो क्या हो गया सी हो गया ए वन इज दी करेक्ट आंसर चलिए बाइट द बुलेट हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाइट द बुलेट अगेन देखो ये छोटे छोटे से वर्ड से बेटा इंग्लिश तुम इतनी अच्छी कर लेना कि एस एस सी सीजीएल तक तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो ये क्योंकि सौ नंबर की इंग्लिश है इंग्लिश अच्छी करनी ही पड़ेगी टाइपिंग टेस्ट की हम लोग बात करेंगे सभी शॉर्ट ठीक है क्या हो जाएगा टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनबल अब आप देख रहे हो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना ट्रस्ट मी ये मुझे जो इनके जो इनके सेंटेंसेस दिए हैं ये सीजल से मुझे ज्यादा बेहतर लग रहे हैं टफ लग रहे हैं सीजल में भी इतनी अच्छी नहीं आती है बाइट द बुलेट का मतलब होता है क्या करना किसी ऐसे काम को करना ऐसा काम करना जो कि जिसकी आप बिल्कुल भी जो कि आप काम नहीं करना चाहते हो जो नहीं करना चाहते बाइट द बुलेट हमारा कहां से ईडीएम आया है बाइट द बुलेट आया मंगल पांडे की क्रांति से मंगल पांडे की क्रांति में क्या हुआ था भाई उनको ऐसी जो थी गन्स दे दी गई थी जिसमें बुलेट को निकालने के लिए उसको ना मुंह से चवाना पड़ता था चवाना मतलब मुंह से ऐसे करके काटते थे और वो निकालते थे ठीक है तब वो बुलेट जो थी वो बाहर आती थी तो आ, अब अब उसमें क्या कर दिया था वो बुलेट होती थी मास्क की और वो मास किसका था गाय का हिंदुओं के लिए गाय क्या थी वो पवित्र है तो हम गाय का मांस तो अपने मुंह में डाल नहीं सकते हैं तो बाइट द बुलेट लेकिन भाई अब नौकरी है पैसे मिल रहे हैं किसी की भाई मजबूरी है तो बाइट द बुलेट कुछ ऐसी चीजों को करना गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इन एविटेबल जिसको आप टाल नहीं सकते हो इन का मतलब क्या होता है इस वर्ड को याद करो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वन वर्ड सब्सिट्यूशन में पूछा जाता है इन जिसको टाल नहीं

Good afternoon, Parul. Okay. Our neighbor was always told us funny jokes and stories. हाँ जी वीके मोटिवेशन दीक्षित टोल्ड अस क्या हो जाएगा विनीत कुमार ग्रामर की क्लास जो है ना वो हमारी यहाँ पर कल से स्टार्ट होगी ठीक है कल हम कुछ टॉपिक्स अपने जो है वो करना क, अपने कंप्लीट करेंगे वॉस अस क्या क्या हो जाएगा इसमें हमारा आर नेवर वॉस अस वॉज नहीं आएगा वेरी नाइस nice, यहां पर वॉज नहीं आएगा देखो मैंने उसे बताया आई टोल्ड हिम मैंने उसे बताया आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज फनी समथिंग ठीक है और यहां पर अगर मैंने क्या लगा दिया है आई वॉज टोल्ड तो इसका मतलब क्या है मुझे बताया गया है मुझे बताया गया है ये में आएगा ये मेरा पैसिव वॉइस में आ जाएगा ठीक है It will be in our passive voice. तो ये क्या हो जाएगा हमारा हमने क्या बोला है और हमने यहां पर यह वर्ब लगाया है और ये हमने थर्ड फॉर्म में भी यूज किया तो हमारा हो जाएगा गलत हमारा ये एक्टिव वॉइस है ये हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद में सिंपल ये हमारा वर्ब आएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है ओके okay? I was told, मुझे बताया गया तो ऑब्जेक्ट नहीं आता आपका यहां तक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं यहां तक sentence को लू नेवर वॉज टोल्ड हमारे को बताया गया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट आ गया है यहाँ पर तो इसके चक्कर में हम क्या नहीं लेंगे इसके चक्कर में हम लोग जो है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस जो है सॉरी पैसिव वॉइस में सेंटेंस हमारा नहीं आएगा ओके सो आंसर विल बी द सेकेंड वन देखो बहुत बच्चों को अभी नहीं पता होगा कि पैसिव वॉइस हमारा क्या होता है मैं चीजों को आपको सिखाऊंगी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे ठीक है और लोकेलिटी हैज कॉमन स्पेस फॉर ऑब्जर्विंग वेरियस नेशनल डेज एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स बताइए क्या हो जाएगा यस एवरी वन रमनदीप कौर ऑलवेज में कोई दिक्कत नहीं है मानसी दीक्षित करेक्ट आंसर है देखो ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज को संपन्न करना अब जैसे कि विवाह संपन्नम है ना शादी संपन्नम और उसके बाद में हमारा जो है कोई कार्यक्रम संपन्नम ओके यज्ञ संपन्नम होता है तो यज्ञ को संपन्न कराते हैं ऑर्गेनाइज कराते हैं कि बेटा जो है जब घर में क्या चल रहा होता है हवन वगैरह चल रहा होता है ना एक कटोरी घी लेके आइए दो कटोरी जो है वो लेके आइए सामग्री लेके आइए हवन सामग्री ऑर्गेनाइज कराना प्रबंध कराना किसी भी चीज का तो कोऑर्डिनेट करना हमारा यहाँ पे सेलिब्रेट करना मनाना होता है सेलिब्रेट तो आंसर नहीं आ गया है नहीं भाई यहाँ पे सेलिब्रेट हाँ जी अंजलि गोस्वामी अच्छा मैंने सेलिब्रेट आंसर किसी का सही तो नहीं बोल दिया रिया प्रकाश बेटा कोऑर्डिनेट करना आर लोकेलिटी हैज अ कॉमन स्पेस कॉमन स्पेस है वही सब लोग जो है जैसे कि होता है ना कि ये वाले मैदान में पहले क्या होता था नहीं होते थे, थे खाली मैदान जो पड़ा होता था ना उसी में टेंट टेंटा शादी ब्याह सब वही हो जाता था कॉमन स्पेस है फॉर ऑब्जर्विंग वेरियस नेशनल डेज हम जाते हैं वहां पे 15 अगस्त भी वही मनाते हैं है है ना सारे जो है महात्मा गांधी जी की जयंती भी वही मनाते हैं एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज का प्रबंध करना फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स जो हमारे क्या होते हैं जो फेस्टिवल्स त्योहार होते हैं उनको हम वहां पर मनाते हैं ठीक है तो कोऑर्डिनेट फॉर्म करना यहां पे देखो हमारा यहां पर ऑर्गेनाइज करना और सेलिब्रेट करना दो अलग चीजें हैं ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट अलग चीजें हैं बेटा ऑर्गेनाइज करना फेस्टिवल को और सेलिब्रेट करना सेलिब्रेट होता है मनाना आपका बिल्कुल देखो अगर हम यहां पर किसको देखें नहीं होता आपका एक बेटर सेंटेंस बेटर आपका मांगा मांगा जाता वर्ड तो डेफिनेटली सेलिब्रेट हमारा यहां पर होता क्योंकि हम सेलिब्रेट को मनाते हैं यहां पर ऑर्गेनाइज का हमसे जो है सिनेम पूछा गया है विटनेस का मतलब क्या होता है किसी भी चीज का गवाह होना ठीक है चलिए फॉर्म करना यानी कि बनाना नेक्स्ट क्वेश्चन डी वन आपका करेक्ट आंसर था बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बताइए क्या हो जाएगा ओके okay, बच्चे तो हमारा क्वेश्चन नहीं बड़ा लगा सेंटेंस रिप्लेसमेंट है नहीं गलती नहीं करनी है बाई दिस टूमोरो बाई दिस टाइम टूमोरो कल यू विल बी प्लेइंग हाँ जी रोहन मैं वो करवाती हूँ मॉर्निंग में कोऑर्डिनेट आएगा हंड्रेड परसेंट हाँ जी भाई तो कोऑर्डिनेट आपका हो चुका है यू विल बी प्लेइंग खुशी गुप्ता क्या होगा द वॉयेंट फॉर फोर्टी एट आवर्स देखो समझो बाई दिस टाइम टूमोरो हमारा यहां पर क्या आएगा ध्यान से देखिए देखो बच्चों हमारा यहां पर जो है by दिस टाइम tomorrow यू विल बी प्लेइंग देखो आई विल प्ले का मतलब क्या हो गया है आई विल प्ले का मतलब हो गया है मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा और हमारा यहां पर आई विल बी प्लेइंग मतलब हमारा यहां पर क्या है मैं खेल रहा होऊंगा ठीक है ये आपके दो सेंटेंस हो गए हैं अब इसको थोड़ा सा और हम लोग इजी बनाते हैं जैसे कि अगर मैंने बोला है आई एम प्लेइंग तो ये क्या है आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूं और अगर मैं बोलू आई हैव बीन प्लेइंग आई हैव बीन प्लेइंग तो ये क्या हो जाएगा हमारा टाइम हम यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर टू आवर्स मैं दो घंटे से खेल रहा हूं यहां पर क्या दिया है यहां पर भी सेम हमारा टाइम दिया है बाई दिस टाइम टूमोरो कल कल इस समय तक कल इस समय तक तुम वायलिन को बजा रहे होगे फॉर फोर्टी एट आवर्स तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा विल प्ले नहीं आएगा हमारा यहां पर देखो फ्यूचर की तो बात होगी क्योंकि टुमारो आ रहा है ठीक है लेकिन हमारा यहां पर टाइम इंट्रोड्यूस करा गया है फॉर फोर्टी एट आवर्स अड़तालीस घंटों से कितने अड़तालीस घंटों से तो ये मेरा भाई टाइम दिया है टाइम की वजह से ये किस में जाएगा ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीनियस में जाएगा विल हैव बीन प्लेइंग यहां पर क्या आएगा यू विल हैव बीन प्लेइंग देखो काम तो हमारा यहां पे चल ही रहा है ना और काम हमारा कितने टाइम से चल रहा है काम हमारा जो है पास्ट में चालू हुआ अभी कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी हमारा कंटिन्यू रहेगा है ना तो हमारा will have been playing आएगा यहाँ पर क्यों आएगा हमारा देखो ये सिंपल आपका आई विल प्ले मैं बजाऊंगा ये हमने फ्यूचर कमिटमेंट की बात करी है आई विल प्ले मैं खेलूंगा है ना आई विल प्ले वायलिन किसी भी जब हम वाद्य यंत्र को जब हम बजाते हैं तो वो प्ले हमारा उसे बोलते हैं एवरी वन क्लियर आई विल बी प्लेइंग मैंने बोला कि मैं खेल रहा होऊंगा कल भाई इस टाइम पे क्या कर रहे होगे बताइए कल भी इस टाइम पे आपकी ये क्लास होगी तो कल इस टाइम पे आप ये क्लास अटेंड कर रहे होंगे ना हाँ मैडम कल हम इस टाइम पे क्लास कर रहे होंगे लेकिन अगर कि मैंने बोला 24 घंटे की क्लास चलेगी ये तो ठीक है तो हमारा अच्छा मैडम तो चौबीस घंटे से हम क्लास कर रहे होंगे क्या हो जाएगा विल है ट्वेंटी आवर्स समझ में आया दोनों में डिफरेंस तो हमारा यहां पर जो है क्या हो जाएगा विल बी प्लेइंग हमारा नहीं होगा विल बी प्लेइंग हो जाएगा कि आपने जो है बस अभी अभी आप नहीं खेल रहे हो आप 48 घंटे के बाद में खेलोगे यहां पे तो 48 घंटे से काम चल रहा है तो हमारा यहां पर क्या आएगा विल हैव बीन आएगा एवरी वन क्लियर चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ए वन इज द करेक्ट आंसर तो देखो बेटा अगर बिल्कुल बेसिक्स से आपको करना है तो आपको जो है बैच लेना पड़ेगा हमारा बैच जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है ठीक है कुंदन वर्मा दो अलग अलग चीजें हैं आप एक अपना एम जो है वो ठान लीजिए अगर आपको जो है उछल कु दौड़ भाग इन सब में इंटरेस्ट है तो आप सीपीओ ज्वाइन करिए और अगर आपको बैठे बैठे काम पसंद है तो आप जो है स्टेनोग्राफी सीख लीजिए तो दोनों आपके अलग अलग चीजें हैं क्योंकि उसमें क्या है मेडिकल अच्छा खासा मांगते हैं है ना तो अगर एक लक्ष्य अगर हम साधे ना साधेंगे तो हमारे लिए जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है तो या तो आपका ऐसा होगा कि दो पर्सनालिटी में से एक ही हो सकते हो कि अगर हाइट पर्सनालिटी अच्छी है तो आप जाइए सीपीओ में और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं हाइट पर्सनालिटी और ये भागना वागना नहीं होगा मुझसे तो स्टेनोग्राफी सीख लो हम्म तो हमारा यहां पर क्या आएगा कुंदन वर्मा चलिए अपील टू द कोर्ट अपील का मतलब क्या होता है अपील हमारा होता है अपील का मतलब क्या करना किसी से गुजारिश करना है ना हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग उससे थोड़ी मन्नत मांग रहे हैं कि हमारा यहां पे हम आपसे मन्नत मांग रहे हैं हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप क्या कर दीजिए आप जो है इस डिसीजन को चेंज कर दीजिए देखना यहाँ पे आपके जो वर्ड्स है ना आप देख रहे हो एक विटनेस वर्ड भी आया था आपके जुडिशरी वाले वर्ड्स जो है ना वो यहाँ पे ज्यादा आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि जुडिशरी में ये सारी स्टेनोग्राफी वगैरह काम कहाँ पे होता है जुडिशरी वगैरह में होता है है ना तो हमारा यहाँ पे जैसे ए, भी क्या होगा लोग अपील लेके आएंगे अपील वगैरह लेके आएंगे तो आपको जो है भाई वही कोऑर्डिनेट करने का काम होगा ना अपील रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा प्रार्थना देखो फॉर का मतलब क्या होता है फॉर का मतलब होता है के लिए और हमारा टू का मतलब क्या होता है टू का मतलब हमारा होता है को तो दिस इज अपील टू द कोर्ट आएगा अपील फॉर द कोर्ट नहीं आएगा हम कोर्ट के लिए अपील नहीं कर रहे हैं कि भाई कोर्ट जो है ना यहां पे दीवारें खराब हो गई दो रंगवा दो ठीक है तो हमारा यहां पर फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यस एवरी वन की तैयारी कर रहे हो चलिए बहुत अच्छी बात है सो वेडिंग प्लानर इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशन एंड अरेंजमेंट्स इन एडवांस शॉर्ट एंड की क्लास आपकी ऑलरेडी चल रही है सुमित्री। बी वन मानसी दीक्षित तो देखिए यहां पर हमारा क्या हो जाएगा इस जब भी होता है देखो ये थोड़ा आपको स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा हमारा यहाँ पर क्या होता है ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम ठीक है बेसिक्स आपके प्लस हमारा वर्ब आई एन जी प्लस हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ठीक है अब हम ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ जाते हैं और हमारा सब्जेक्ट जो है वो यहाँ चला जाता है सब्जेक्ट बन जाता है ये क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है देन हमारा इज आर एम जो है वो एज इट इज यहां पर रहता है is rm हमारा वैसे ही है ing किस में चेंज हो जाता है ing जो है वो हमारा चेंज होता है बीइंग में बहुत ध्यान से देखिए ing बीइंग में चेंज होता है और हमेशा जो वर्ब जो होता है पैसिव वॉइस में हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है ये चीज याद कर लीजिएगा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो यहां हमारा क्या आएगा भाई वेडिंग प्लानर इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस रिजर्वेशन ठीक है तो हमारा यहाँ पर ऑल द रिजर्वेशन ऑल द रिजर्वेशन के लिए क्या आएगा यहां पर आई एन जी आर बींग मेड थर्ड फॉर्म आर बींग मेड बाई द्लानर सो आंसर क्या हो जाएगा आंसर विल बी द सेकेंड वन ओके बच्चे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गिमी अकट इज ऑन द टेबल यस एवरी वन सो पैसे वॉइस में हम लोग वी ऑलवेज यूज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वो हां जी बच्चे अबे कुमार मैं आपको बैच की इंफॉर्मेशन इस सेशन के एंड में दूंगी बच्चे तो पारुल यस द बुक हो जाएगा हमारा दैट इज हो जाएगा प्रियंका दैट इज क्यों हो जाएगा दैट इज द बुक देखो आज भी एक क्वेश्चन आया था एस एस एल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आ वर्सेस एन और हमारा यहां पर वर्सेस द हम अगर जब क्या बोलते हैं हम अगर बोलते हैं आई वॉन्ट आई वॉन्ट आ बुक तो यानी कि आ का मतलब बेसिकली क्या होता है समझो इसे यहां हमारा इसको होता है कोई एक कोई का मतलब क्या है भाई कुछ भी चलेगा ठीक है कोई एक आई वॉन्ट आ बुक कोई सी भी एक बुक दे दो मुझे कोई काम नहीं मतलब जैसे कि लैसे कि तुम्हें पेपर साइन करना है नीचे बुक रखने को चाहिए कोई सी भी बुक चलेगी अब अगर यहां पे क्या बोला है आई वॉन्ट द बुक अगर बोला है तो द बुक का मतलब क्या होता है कोई एक स्पेसिफिक हो गई है हमारी एक ही है ठीक है दा के आगे हम लोग वैसे क्या लगा सकते हैं प्लूरल भी लगा सकते हैं एक निश्चित ये हमारा क्या हो गया है एक निश्चित हो गया है तो हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं गिव मी आ बुक दैट इज़ ऑन द टेबल हमने यहां पे इसको एक्सप्लेन करा है कौन सी वाली बुक चाहिए तो हमें कोई एक नहीं चाहिए जो कि किस पे है जो कि टेबल पे है मी द बुक द बुक वही वाली मुझे बुक चाहिए ठीक है वही वाली मुझे बुक चाहिए जो कि टेबल पर है सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर एवरी वन इज दट क्लियर गिव मी दुक दैट इज ऑन द टेबल थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सी वन इज द करेक्ट आंसर ओके बच्चे हां जी बच्चे सो विशु वेरी गुड इवनिंग वैसे तो अब आपकी शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है डेफिनेट नाउन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं द लगाते हैं एन इज यूज बिफोर वॉबल साउंड कुन हां जी बच्चे he gave a large amount of donation for flood victims clear ho chuka hai chaliye the book sonu okay shivalras very nice parul देखो magnanimous ये वर्ड ध्यान से देखिए magnanimous magna हमारे लिए मैग्ना क्या होता है जो कि बहुत ही हमारे लिए अच्छा होता है शानदार होता है मैगनोनिमस जो होता है जो कि उदार होता है और इसका फटाफट से मुझे एक सुनम भी बता दीजिए देखो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हर बार आते हैं अगली बार आपका क्या आएगा अगली बार वर्ड आ जाएगा जेनेरस तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2023 के लिए कैसा वर्ड है ये हमारे 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ठीक है अब इसको याद करिएगा जेनरस जीन में ही क्या भरा हुआ है जीन में ही जो है भाई उदारता भरी हुई है हमारी दादी नानी इनसे अगर हम मान लीजिए पैसे मांगते हैं ना तो हमारे लिए तुरंत पैसे दे देती है ठीक है समझ में आया अब हमारे लिए यहां पर ये वाला जो वर्ड है अब इसको याद करिएगा ये हमारा क्या है शिवालरस है अब इसको याद करिएगा कभी भी नहीं भूलोगे शिव so जी कैसे हैं शिव जी ने विष पिया था विष का रस पिया था तो वो हमारे कैसे हैं वो हमारे उदार हैं। शिव जी कैसे हैं शिव जी हमारे उदार हैं। एवरी वन इज दैट क्लियर मैग्नोनिमस का मतलब क्या होता है उदार होता है और शिव जी हमारे कैसे हैं? शिव जी हमारे उदार हैं ठीक है विंडिक्टिव कैसा होता है विंडिक्टिव जो होता है विध्वंसक विंध्वंसक यानी कि जो होता है जो कि जिसमें बदले की भावना होती है बदले की भावना वाला ओके okay? और हमारा यहां पर ये कैसा होता है चिमेरिकल जो कि होता है जिसमें आपका इसे इसे क्या बोलेंगे दिस इज बताइए वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ये वर्ड मैंने गोल्डन वोकैबलरी में कराया है ये वर्ड मैंने गोल्डन वोकैबलरी में नहीं कराया है चेरोबिक इसका मतलब होता है जो कि क्यूट सा होता है जिसको जो कि गाला, जिसके कैसे फूले फूले से होते हैं चेरोबिक उसे बोलते हैं हां जी इस वर्ड का मतलब फटाफट से कमेंट करिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सी वन इज द करेक्ट आंसर ओके बच्चे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अब देखो आपका एक क्वेश्चन आएगा पी नहीं एक क्वेश्चन नहीं आएंगे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे हमारा जो है पीक्यूआरएस का ये हमारा क्या है आपका ये एस दिया है यहां पर ये एस दिया है ये मेरा क्या है ये मेरा फिक्स है हाँ जी ये मेरा फिक्स है ठीक है फिक्स है ये और हमारा यहां पे बाकी के जो वर्ड्स हैं, बाकी के जो सेंटेंसेस हैं, ये मुझे क्या करने हैं ये मुझे लाइन से लगाने हैं चलिए बच्चे तो बताइए अब देखो इन सारे वर्ड्स को पढ़ने में क्या हो जाती है इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ने में होती है दिक्कत इम प्रैक्टिकल क्यूट एनिमल्स एनिमल्स को नहीं बोलते हैं जो कि हमारे होते हैं ना रहस्यमय जो चीजें होती हैं उसे बोला जाता है इमेजिनरी होती है उसे बोला जाता है जैसे स्काइमेरा भी बोलते हैं इंडियन प्रोसेशन जैसे मेरिकल बोल दिया जैसे स्काईमेरिकल हम्म

एबीडीसी आ जाएगा पारुल एबीडीसी चलिए एक बार हम इसको पढ़ते हैं दीज रिसोर्सेज रिसोर्सेज अ अ लाइब्रेरी लाइब्रेरी इज एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशनल हमारी क्या होती है लाइब्रेरी हमारी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज का भाई लाइब्रेरी में जाते हो बुक्स बुक्स मिलती है ऐसा तो है नहीं वहां पे जो है आपको समोसे जलेबी बट रहे हो ठीक है अब हम यहां पे किसकी बात करें देखो रिसोर्स हमारा आया है दीज रिसोर्सेस तो भाई कनेक्ट करो रिसोर्स वर्ड से खत्म हुआ है और हमने यहां पर दीज रिसोर्सेज ठीक है तो हमने ऐसे ही हम यहां पर स्टार्ट करेंगे ये तो फिक्स है और ऐसे ही वैसे हमारे चारों ऑप्शन आ रहे हैं वैसे आज मैं आपको इस तरीके से सिखा रही हूं लेकिन विदाउट ऑप्शन हम इस क्वेश्चन को करते हैं सेज आर मेड एक्सेबल टू अर डिफाइंड कम्युनिटी लाइब्रेरी जैसे कि भाई तुम्हारे स्कूल की लाइब्रेरी होगी तो तुम्हें ही जाने देंगे ना ये थोड़ी नहीं है कि कोई और भी चला गया फॉर देयर रेफरेंस और बोरोइंग लाइब्रेरी से आप भी किताबें ले सकते हैं ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैडम हमारी मैडम है हमारी मैडम को किताबें दे दो ठीक है सिंपल सी है इट प्रोवाइड फिजिकल और डिजिटल एक्सेस टू द यूजर तो हमारा यहाँ पर डिजिटल और फिजिकल एक्सेस दोनों तरह से हम जो है किताबों को देते हैं ठीक है देन हमारा यहां पर क्या आएगा दे फैसिलिटेट ग्रुप स्टडी एंड एंड हमारा यहां पर जो है लाइब्रेरी कलेक्शन इंक्लूड लाइब्रेरी के कलेक्शन में क्या इंक्लूड होता है तो हमारा ए बी सी डी हमारा एज इट इज रखा हुआ है कोई चेंजेस नहीं है लाइब्रेरीज कलेक्शन इंक्लूड बुक्स पीरियोडिकल न्यूज पेपर एक्सेट्रा लाइब्रेरी देखो यहां पर हमारा डी के बाद में ये डी सिक्स आपका जो एस सिक्स है ये कनेक्ट भी हो रहा है कि भाई ये ये चीजें होती हैं और इतनी आपकी वाइड रेंज होती है चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एबेंडन बताइए प्रिंस चौधरी आपके अभी इस क्वेश्चन पे आएंगे सीपीओ पे हम आ जाएंगे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं एबेंडन बताइए हां जी भाई बंधन को हमने क्या कर दिया है बंधन को हम देखो बेटा ये वही वर्ड्स है ना जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं हाँ जी ऐसा तो नहीं है कि नहीं ये वाले क्वेश्चन हमने करे नहीं है बताइए क्या हो जाएगा चैरिश टॉलरेशन डीसी में थोड़ा अप डाउन हो गया पारुल कोई बात नहीं हमारा सी वन बी वन आएगा रेलिन कु कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइड चल रही होती है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है तो हमारा कंस्ट्रक्ट किसी चीज को बनाना अब यहां पे आप जैसे कि सेंटेंस को क्या करते हो कंस्ट्रक्ट करते हो ठीक है टॉलरेट करने का मतलब क्या होता है बर्दाश्त करना में से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना बंधन को मैंने क्या करा है बंधन को मैंने त्यागा है अबेंडन छोड़ देना अबेंडन छोड़ देना ठीक है रैलिन कुश इज दी करेक्ट आंसर अब इसको याद करो हम यहां पे रिलीज कर रहे हैं अपनी किसको रिलीज योर विश दैट मीनस क्या हो गया है कभी कभी जिंदगी में क्या होता है ना जो चीजें हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाती हैं बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं उसके बाद भी नहीं मिलती हैं तो कभी कभी क्या होता है भाई बहुत सारी चीजों को जाने देना चाहिए रिलीज योर विश रैल इन कोश जाने दो उसे जहां पे जो हो वहां पे रुको और एंजॉय करो ठीक है होता है कि नहीं होता नहीं मम्मी पापा ने जो था ना हॉस्टल में पढ़ने नहीं दिए वहां पर सिलेक्शन हो गया था बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ फ्रेंड्स वगैरह भी हैं ऐसे कि भाई बहुत अच्छा कर सकते थे लाइफ में लेकिन पापा ने बाहर ही नहीं जाने दिया लड़कियों के साथ तो जनरल प्रॉब्लम होती है होता है तो रिलीज योर विश रेलिन क्विश जाने दो कोई बात नहीं ठीक है जो मिलता है वो बेहतर मिलता है रेलिन क्विश है ना? विश को हमने छोड़ दिया है क्विश कर दिया है कंस्ट्रक्ट माने बनाना चैरिश माने क्या होता है सरहाना अब चैरी चैरी जो होती है ना उसको हम चैरिश करते हैं और टॉलरेट किसी को क्या करना किसी को बर्दाश्त करना चलिए बच्चे तो आपका ये क्वेश्चन अभी मैं थोड़ा स्किप कर रही हूं हम यहां पे थोड़े फास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से क्योंकि एक, एक एक बार हमें सारे टाइप के क्वेश्चन देखने हैं। और टाइम आपका यहाँ पे अगेन देखो एक ही घंटा होता है महेंद्र दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर हर एट द थिएटर बताइए बच्चे आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आंसर करते हैं आप लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो एक, एक बार हाँ जी भाई एबेंडन त्याग देना छोड़ देना बिल्कुल करेक्ट है मिट्टू तो देखो है ना आज ये वाला वर्ड एकदम माइंड पे बैठा होना चाहिए ठीक है वुड हमारा आया है दैट लगा हुआ है ये हमारा क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपका क्वेश्चन है वुड को हम किसमें चेंज करते हैं विल में चेंज करते हैं यहाँ पे सब जगह तो विल आया है देखो स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है ये मैं बता रही हूँ आपको सीजल से भी टफ आ जाता है ये है ना हमारा यहाँ पर वुड बी वेटिंग और हमारा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये बना है कि आपका वर्ब सब में आईएनजी लगा है सब में आईएनजी लगा है तो हमारा यहाँ पर महेंद्र टोल्ड हर दैट ही वुड बी वेटिंग कौन वेट कर रहा होगा ही कर रहा होगा या फिर आई कर रहा होगा तो आई वुड बी वेटिंग i will be waiting लेकिन दो जगह आई दिया है भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा i will be waiting i will be waiting for you at the theater तो हमारा यहां पर अच्छा ये आक्स करा है उसने या टोल्ड करा है बेटा यहां पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी हाँ जी प्रिंस तिवारी इंदु गोसाई, इंदु गोसाई तुम्हारा तो आंसर सही है यहां पर आक्स लिखा है ये हमारा क्वेश्चन नहीं है तो हमारा ये टोल्ड है तो आंसर हमारा फोर्थ वन हो जाएगा एवरीवन क्लियर भाई पूरा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैं पांच सेकंड में करा दू इसको जनरली सीजल वाले में पांच सेकंड में करा देती हूँ डी वन इज दी करेक्ट आंसर पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं समझ में आया कंफ्यूज करने के लिए सब में आईएनजी लगा रखा था बिल्कुल वरना पांच सेकेंड दस सेकेंड में ये क्वेश्चंस हो जाते हैं ओके बच्चे सो दिस इज़ हाउ कैन कैन यू जो है वो इसको हम किस में चेंज करेंगे कुड में चेंज करेंगे कुड कुड सब में तो कुड लगा रखा है यहां पर अब क्या आएगा भाई यहां पर अगर आपका आस्क आएगा सब में आस्क लगा रखा है आप पूरा सेंटेंस हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले हमने ये काट दिया दैट आपका नहीं आता है जब हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं डी वन हमारा एनीवेज नहीं आंसर होगा ठीक है प्लेफुली किड्स हाउ हाउ दे हमारा यहां पर देखो क्वेश्चन में जब हैव नहीं है तो आंसर में हमारा क्या नहीं आएगा हैव नहीं आएगा ठीक है हाँ दिस हमारा दैट में चेंज होता है hmm. हाउ दे है देखो सीवन में क्या सीवन आंसर नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये मेरा क्या है देखो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, लगा हुआ है ये मेरा क्वेश्चन नहीं है हमारा हाउ के बाद में कैन कब आता है हाउ के बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब कब आता है जब हम डब्ल्यू एच फैमिली यूज करते हैं क्वेश्चन के लिए ठीक है हाउ आर यू आपका आंसर क्या होगा आंसर हमारा जो है सी वन हाउ कुड दे हाउ दे कुड होगा बी वन इज द करेक्ट आंसर यहां पे आंसर आपका गलत लिखा है हाउ दे कुड होगा ठीक है सो हेनरी प्लेफुली आस्क्स द किड्स हाउ दे कुड स्प्लिट दैट पेपर फर्दर इन टू पीसेज बी वन इज द करेक्ट आंसर एवरी वन सी वन इज नॉट दी करेक्ट आंसर दिस इज रॉन्ग हाउ कुड नहीं होगा ठीक है क्यों नहीं होगा हमारा सिंपल थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को समझते हैं बेहतर तरीके से ध्यान से देखो हमारा यहां पर ये यह क्या लिखा है अगर मैं कोई भी क्वेश्चन करूं हाउ आर यू ठीक है हमारा ये क्या है ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है ठीक है हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं क्वेश्चन लगा रहे हैं आंसर क्या होगा हमारा आई एम गुड आपने यहां पर जो है ये मेरा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाया है ठीक है हमारा यहां पर क्या आता है है फुल स्टॉप आया इसी तरीके से हमारा फुलस्टॉप फैमिली के बाद में वॉट आर यू डूइंग वॉट आर यू डूइंग देखो हमारा यू सब्जेक्ट है यू सब्जेक्ट है और आर क्या है हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के पहले आ रहा है ठीक है क्यों क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखो सेम हमारा यहां पर जो है हमारा यहां पर जब हम हाउ के जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम हाउ के बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब जो है हम यूज कर रहे हैं लेकिन यहां पर ये मेरा क्वेश्चन नहीं है तो हम हाउ से कुड को हम क्या रखेंगे थोड़ा दूर रखेंगे तो हम सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे तो हमारा यहां पर सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यस एवरी बताइए एसर्टिव में चेंज हो जाता है वाइल्ड ड्राइविंग सतीश ऑलवेज स्विचेज ऑफिस मोबाइल फोन एंड कैप्टेड इन द डैशबोर्ड बताइए क्या हो जाएगा यस एवरी वन यहां पर हमारी बात किसकी हो रही है भाई ड्राइव करते हुए सतीश हमेशा क्या करता है हमेशा की बात हो रही है हमेशा हमेशा वो स्विच ऑफ करता है अपना मोबाइल और कहां लगता है मैम इंटेगेटिव नहीं हो गया संधा मिश्रा नहीं जब आप किसी की बात किसी और को बता रहे हो संधा मिश्रा मैंने तुमसे पूछा तुम कैसी हो अभी यह क्वेश्चन है अब अगर यही बात आप शैबी शॉर्ट्स को बोलो शैबी मैम ने मुझसे पूछा था कि मैं कैसी हूं तो शैबी को तुम एक सेंटेंस बता रही हो तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं कर रही हो ठीक है डिफरेंस है इसीलिए मेरा यहाँ पे जब क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज होता है ना तो वो किस में आ जाता है फुल स्टॉप आ जाता है और कुड हमारा अलग चला जाता है हेल्पिंग वर्ब अलग चला जाता है इस क्वेश्चन की बात करते हैं ये मेरा प्रेजेंट में है यहाँ पर और ये किस में है ये पास्ट में है प्रेजेंट और पास्ट की हमारी गलती हो गई है हम हमेशा की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर यहाँ पर मेरा कैप्ट नहीं आएगा यहां पर मेरा कीप्स आएगा एवरी वन इज दैट क्लियर चलिए बच्चों तो हम लोग चलते हैं आगे पे। चलो साइकोफेंट क्या हो जाएगा बताइए माने क्या होता है स्विच ऑफ का मतलब सामया किसी भी चीज को बंद कर देना सतीश हमेशा स्विच ऑफ करता है मोबाइल को स्विच ऑन करना चालू करना ठीक है थर्ड वन किलर हो जाएगा साइकोफेंट अच्छा ये तुम साइको बता रही हो इंदु गोसाई ये किलर जो होता ना, साइकोपात है ना अरे साइको पाथ है साइको पाथ है तो हमारा साइकोफेंट क्या होता है जो कि फ्लैटर होता है जो कि चापलूसी करने वाला होता है अच्छा आपके क्लास में एक बच्चा होता था कि नहीं होता था जो टीचर की चापलूसी करता था मैडम बताइए कॉपी किताबें तो हम ही आपकी लेके ले आ जाते हैं मैडम आप कैसी हैं अच्छा मैडम ये मैडम वो उसको क्या चाहिए होता था उसको प्रैक्टिकल के मार्क्स चाहिए होते तो फ्लैटर है ना बिल्कुल रोज सुबह जो है मैडम के पैर छुएगा और उसके बाद में जो है मैडम आप जो है बड़ी अच्छी लग रही है समथिंग और जाते जाते जब प्रैक्टिकल के मार्क्स जहां पे ज्यादा होते ना तो बिल्कुल टीचर के आगे पीछे घूमते थे नहीं घूमते थे तो फ्लैटर साइकोफेंट का मतलब होता है क्या होना चापलूसी करने वाला ठीक है हम इसको क्या बोलते हैं आपका जो बटरिंग करते हैं फ्लैटर होता है साइकोफेंड ठीक है तो वो हमारा यहाँ पर ये यह साइको किलर अलग होता है साइकोपाथ आपका अलग होता है जो कि कैसा होता है जो कि पागल होता है तो हमारा मेहमत होता है बहुत बड़ा तो फ्लैटर ओके बच्चे okay, हम लोग उसे बोलते हैं पागल है। साइको से ही याद कर लो इस वर्ड को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो बेटा देखो एक्टिव पैसिव आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट इस हमारे जो है यहां का पार्ट है होपफुली द मैच विल बी वन बाय यर टीम बताइए बच्चों क्या हो जाएगा हाँ जी बच्चे यहां पे आया है हमारा ये है क्या एक्टिव एंड वॉइस की बात करी गई है विल बी वन सिर्फ इस पर ध्यान देना है विल बी, विल बी बी वन ठीक है ये थर्ड फॉर्म है ये हमारा बी है तो ये किस में चेंज हो जाएगा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारा यहां पर बी जो है वो हट जाएगा तो जब क्वेश्चन में नहीं है तो आंसर में नहीं आएगा जब क्वेश्चन में नहीं है करेक्ट आंसर एवरी वन इज दैट क्लियर तो हमारा यहां पर सेकेंड वन जो है वो आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखो बेटा कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं ये क्वेश्चन आपके जो है मतलब सीजल के लेवल को बिल्कुल पार करते हुए होते हैं गॉड एक हेवेंस क्वेश्चन आ जाए ना सीजल वाले बच्चे डर जाते हैं तो ओल्ड किंग सेड गॉड आई एम तो भाई SSC, में आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से करनी है इतने अच्छे से करनी है कि तुम्हारा यहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस आप जो है सीजल वालों को एकदम पछाड़ दो ठीक है और सीजल वाले तो मैंने क्या बोला यहाँ पर सीजल तो एक बात छोटी सी है आपको बिल्कुल अंग्रेज बन जाना है ठीक है तो बेटा पढ़ लो यहां पर पढ़ाई काम आएगी ओके ओल्ड किंग सेड ओल्ड किंग शॉक्ड था ब्लेम था एक्सक्लेम विथ दैट ही वाज रून वो बर्बाद हो चुका है है ना क्राइड आउट that god heavens has देखो यहां पर हमारा एक चीज है पास्ट में जाता है सेंटेंस प्रेजेंट में तो जाएगा नहीं तो सबसे पहले ये काट दो उसने ब्लेम किया वो कह रहा है अरे भगवान मैं बर्बाद हो गया तो ब्लेम कर रहा है किसी को वो एकदम कैसा है वो एकदम दुख में डूब चुका है तो एक्सक्लेम विथ सोरो दैट ही वाज रूइंड सी1 इज द करेक्ट आंसर एवरीवन इज दैट क्लियर तो, 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 तो चलिए बच्चे हमारा यहां पर जो है अब आपका कल का होमवर्क ये रहा आपके लिए होमवर्क रीच क्विकली बिकॉज माइल्स योर होमवर्क फॉर टूमोरो कल हम इस क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करेंगे ये आपका होमवर्क है बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है वॉट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके बच्चे तो अब यहाँ पे इंग्लिश में हमें जो है फुल मार्क्स की तैयारी करनी और फुल मार्क्स की तैयारी देखो बेटा एक दिन में तो होगी नहीं है ना एक दिन में आपकी नहीं होगी इस क्लास का जो पीडीएफ है सबसे पहले हम पीडीएफ की बात कर लेते हैं वो कहां से मिलेगा वो इस सेशन पे मैंने जो है यहां पर आपको मैं दे देती हूं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद में आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो आपको ये मिलेगा प्रतिभा सिंह नाम से ये मिलेगा आपको ऑर्डर ट्वेंटी फोर सेवन यहां पर ये रहा आपका लिंक ठीक है ऐप का इस ऐप पे आप जाइएगा और ऐप पे जाने के बाद में ग्रुप पे जाइएगा इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम पे जब आप जाओगे तो आपको जो है इस क्लास का ये वाला जो पीडीएफ है ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएंगे ठीक है बच्चे चलिए प्रिंस चौधरी इसका आंसर मैं आपको ना कल दे पाऊंगी मैं आप एक बार चेक करूंगी तो यहाँ पे शायद आप नहीं कर सकते हो ठीक है वो डिपेंड करता है तो अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो एस एस स्टेनोग्राफर की तो आपका बैच जो है वो हमारा यहाँ पर जो है एस एस स्टेनोग्राफर स्टार्ट होने जा रहा है ग्यारह तारीख से ठीक है ये रहा आपका अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ध्यान दीजिएगा ठीक है ग्यारह अगस्त से ओके और हमारे इसमें जो है 500 सीट्स सीट से कंप्लीट आपका फाउंडेशन बैच है 500 सीट्स सीट अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है और यह चीज ध्यान से देखिएगा 11 अगस्त से आपका यह जो बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे किसी को विल समझ में नहीं आया होगा एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आए होंगे एक ही क्लास में आपको सारी चीजें समझ में नहीं आ सकती है ठीक है तो हमारे लिए हमें क्या करना है बेसिक्स टू एडवांस कंप्लीट इंग्लिश करने के लिए अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में चाहते हो कि आपकी पढ़ाई हो है ना तो हमें क्या करना होगा बैच में आप एनरोल कर लीजिएगा और आपका यहाँ पे नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बेसिक्स टू एडवांस आपको इंग्लिश की आपको जो है क्लासेस मिल रही है सबसे मेन आपका तो यहां पर इंग्लिश ही है देन हमारा यहां पर रीजनिंग जो है वो भी आपका कंप्लीट होगा देन हमारा जो है हिस्ट्री जोग्राफी uh, जो भी आपकी जो के जो है वो भी कंप्लीट होगा ठीक है तो हमारा यहाँ पर जो है ये बैच आप जो है कितने का परचेस कर सकते हो वाई डबल फाइव नाइन ये आप कोड यूज करिएगा का आपका ये जो है बैच है ठीक है का और कब से स्टार्ट हो रहा है ग्यारह तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है वन थ्री सेवन नाइन का ऐप से परचेस करिएगा तो आपको थोड़ा और कम पैसों पर पड़ जाएगा कोड लगा लीजिएगा वाई डबल फाइव नाइन ये आपका कोड है और मेरी गारंटी है मैं आपको हंड्रेड क्वेश्चन एकदम सही होंगे मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपके 99 क्वेश्चन सही होंगे 100 क्वेश्चन होंगे गारंटीड है लेकिन अब भाई आपको अपने लाइफ के तीन महीने मुझे देने होंगे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप जो है सोचो कि चलो मैडम आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ लेंगे तो बेटा इस तरीके से काम नहीं चलेगा इसमें मैं गारंटी नहीं लेती हूं लेकिन हाँ आपके जो है देखो सारे क्वेश्चन रखे हुए आएंगे सारी चीजें आपकी जो है एज इट इज वही चीजें आएंगी ऐसा क्वेश्चन पेपर जो है आपका क्वालिफाई मैं करवाऊंगी हंड्रेड क्वेश्चन है ना सिंपल सी बात है 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 ना सिंपल सी बात है. तो यहां पर जो है हंड्रेड क्वेश्चन की तैयारी मेरी मेहनत आपकी है मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं तो चलिए बच्चों तो ये रहा देखिए एसएससी एस सी का महापैक इस महापैक में आपको जो है लाइव क्लासेस वो भी मिल जाएंगी और लाइव क्लास के साथ में आपको क्या मिल जाएगा पीडीएफ भी मिल जाएंगे प्लस हमारा रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे प्लस टेस्ट सीरीज जो है वो भी मिल जाएगी तो कुछ भी आपका बाकी नहीं रह रहा है यहां पर ओके okay, तो हमारा यहां पर ये रहा ग्यारह सो आपका ई बुक्स है ये हमारा पी डी एफ है लाइव क्लासेस हमारे दो हजार घंटे की लाइव क्लासेस है टेस्ट सीरीज साढ़े चार हजार हमारी टेस्ट सीरीज है ये हमारा जो बैच है ये हमेशा ही बेस्ट बैच आपका होता है क्यों क्योंकि एक बार अगर हम ले लेते ले हैं तो हमें बार 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 पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अब जो है मैं तीन सौ रुपए की टेस्ट सीरीज ले, ले लू अब जो है मैं यहाँ पर दो सौ रुपए की वीडियोज और ले लू तो सब कुछ मिला के इसमें जो आपको फायदा हो जाता है कोड लगा दीजिएगा वाई डबल फाइव नाइन और देखो इस पे अभी चल रही है वैलिडिटी ठीक है ये मुझे कोई आइडिया नहीं है हो सकता है एक घंटे के बाद खत्म हो जाए या फिर हो सकता है कि आपकी जो है ये आज रात बारह बजे तक मोस्ट प्रोबेबली ये खत्म हो जाएगी तो डबल वैलिडिटी जब है तो आप इसको ले लो क्योंकि ये डबल टाइम तक के लिए के लिए लिए वैलिड है साल आपकी जो है ना यहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिलेंगी एस की सारी क्लासेस आपको दो साल तक मिलेंगी कोड लगा लीजिएगा वाई दिस इज दी कूपन कोड ये डिस्काउंट कोड है जिससे कि आपको क्या हो जाएगा जिससे कि आपको सस्ते में मिल जाएगा और थोड़ा ऐप पे